हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैंने करी है गार्डन के लिए शॉपिंग मीशो ऐप से, तो उसका आज मैं आपको रिव्यू दूंगी कि किस तरह के प्रोडक्ट मुझे मिले हैं, क्या उनमें कमियां हैं और क्या अच्छा था। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपसे शेयर करूँगी अपने गार्डन के कुछ फ्लावर्स। तो चलिए दिखाती हूँ पहले अपने गार्डन की एक झलक। तो फ्रेंड्स, सीज़न के अकॉर्डिंग मैंने अपने गार्डन में थोड़े से चेंजेस भी किए हैं। तो मेरे जो ये बोगनवेलिया थे, वो मैंने इस साइड पे विंडो पे लगा दिए हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे ये ब्लूम कर रहे हैं इस समय, और इसकी जो ब्रांचेज़ हैं काफ़ी लंबी लंबी हो गई हैं, और मुझे बोगनवेलिया इस तरह से बेल के तरह लगाने में ही अच्छे लगते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे ही रखूँगी। दोनों साइड पे मैंने अपने दो पॉट रख दिए हैं, मेरे पास 3-4 हैं बोगनवेलिया का, लेकिन दो मैंने दोनों साइड पर रख दिए हैं। तो कैसा लग रहा है ये यहाँ पर, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बोगनवेलिया फ्रेंड्स समर के साथ साथ विंटर में भी आप देखिए काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, तो मुझे बहुत पसंद है बोगनवेलिया के प्लांट। और मेरे पास फ़िलहाल तो दो ही कलर हैं, लेकिन मुझे इसके सारे ही कलर बहुत प्यारे लगते हैं। जैसे होगा, मौका मिलेगा तो मैं धीरे धीरे और भी ऐड करूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने पालक लगाई हुई है दोबारा। पहले जो मैंने लगाई थी उसे मैंने पूरा हार्वेस्ट कर लिया था, उनकी पत्तियाँ बस नहीं हार्वेस्ट की थी, पूरा हार्वेस्ट किया था, क्योंकि वो रेनी सीज़न का था तो पेस्ट वगैरह लगते हैं, इसलिए मैंने उसे हटा के दूसरी फिर सीडलिंग दूसरे सीड डाले थे। और यहाँ पर देखिए कॉस्मोस भी हमारे कॉप्सकॉम भी हमारे काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग कर चुके हैं, और काफ़ी प्यारे लगते हैं इनके फ्लावर भी। और अब इनमें सीड काफ़ी सारे बन रहे हैं, एक ही फ्लावर में ढेरों सीड बन जाते हैं। तो मैं अब इनको भी थोड़ा, इनके जो पुराने फ्लावर्स हैं उन्हें हटा के उनके सीड कलेक्ट कर लूँगी, नहीं तो फिर देखिए इस तरह से खुद से ही गिरने लगते हैं इनके सीड। तो बहुत सारे प्लांट हर प्लांटर में जर्मिनेट हो जाते हैं। तो और ये मेरा छोटा सा मिर्ची का पौधा है, जिसमें से अच्छी हार्वेस्टिंग हो जाती है। और यहाँ पे है मेरा ये देसी वाला पिटूनिया, इसका वैसे कुछ और भी नाम होता है लेकिन अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। यहाँ पे फ्रेंड्स ये गलाडिया है, और गलाडिया दो विंटर समर के प्लांट वैसे माने जाते हैं, लेकिन ये एनुअल प्लांट की तरह आपके गार्डन में रह लेते हैं। थोड़ी बहुत इनकी आप प्रूनिंग वगैरह करते रहिए, सीड जो बनते हैं उन्हें हटाते रहिए, तो फिर प्लांट चल ही जाता है। थोड़ी पत्तियाँ इनकी ख़राब सी हो जाती हैं विंटर में। और यहाँ पे देखिए हमारे मैरी गोल्ड बहुत अच्छे से इसमें ब्लूम हो रहे हैं। और ये एक प्लांट है जिसपे बिल्कुल, ये देखिए फूलों की वजह से इतने वेट हो गया है कि इसकी जो ब्रांचेस है, डालियाँ हैं, वो झुक सी गई हैं, काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं ये, और शायद ये कैमरे में उतने बड़े नहीं दिख रहे हैं। और ये जो सेकंड वाला मैं आपको दिखा रही हूँ, ये थोड़ी छोटी साइज़ के हैं, और वो वाले थोड़ी बड़ी साइज़ के हैं जो मैंने पहले दिखाया। तो इनके प्लांट भी थोड़े लंबे लंबे से हो गए हैं, क्योंकि ये रेनी सीज़न में खुद से निकल आए थे पॉट में, पहले के सीड गिरे हुए होंगे। तो और मैरीगोल्ड जो होते हैं उनके प्लांट जल्दी से ख़राब भी हो जाते हैं, मेरे एक दो प्लांट ख़राब भी हो गए हैं, तो मैंने उनकी थोड़ी प्रूनिंग करके और उन पे पेस्टिसाइड का स्प्रे करके रखा हुआ है। और अभी और भी सीडलिंग मैंने की हुई है मैरीगोल्ड की। और यहाँ पे हमारे पूरे रोज़ हैं जिनकी मैंने हार्ड प्रूनिंग की हुई है, तो इनमें अब न्यू शूट निकलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। और यहाँ पे ये वाला रोज़ जो प्लांट, रोज़ का जो प्लांट है, ये रूट रॉट पे मैंने जो वीडियो डाला था रोज़ का, ये वो ही है और अच्छे से चल रहा है ये। और किसी फ्रेंड ने कहा था कि आप इसका अपडेट ज़रूर दे देना, तो फ्रेंड्स मैंने अपडेट इसका कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला हुआ था। और यहाँ पे देखिए हमारे कोचिया, और कोचिया पे सीड कलेक्ट करने का वीडियो भी मैंने डाला हुआ है। और ये बाकी के जो मेरे प्लांट बचे हुए हैं, अब इनमें भी सीड बन गए, तो बस टाइम निकाल के मैं इनको हार्वेस्ट कर लूँगी, निकाल लूँगी, सीड सेव कर लूँगी। और ये प्लांटर मैंने खुद से बनाया है, तो मुझे खुशी हो रही थी कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था। और यहाँ पर देखिए हमारे ये कलांचू भी, इनमें अब बर्ड बनना स्टार्ट हो गए हैं। इस पर भी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है कि किस तरह से मैंने इन्हें लास्ट ईयर के प्लांट को किस तरह से रेडी किया हुआ था। और फ्रेंड्स आप पीछे देख पा रहे होंगे कि मेरा पूरा गार्डन फैला हुआ है, तो मैं वही गार्डन का मेंटेनेंस का काम कर रही हूँ अभी इस समय। और यहाँ पे देखिए डेजी के फ्लावर हैं, और यहाँ देखिए पूरा ये फैला पड़ा है, एक पोर्शन अभी मैंने नहीं समेटा है, नहीं ठीक किया है, पूरा सेट करके मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे देखिए जरबेरा हमारे
काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं। इसका भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे अपडेट शेयर कर दिया था। मैं मोस्टली अपडेट जो शेयर करती हूँ वो कम्युनिटी पोस्ट पे डाल देती हूँ, उसके साथ का लिंक भी डाल देती हूँ मैं, तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं अपडेट वीडियो। और ये देखिए, ये इस तरह से जरबेरा के फ्लावर स्पेंट होने के बाद इनमें सीड बनने लगते हैं और इनके सीड जो है ना उड़ जाते हैं, तो इसलिए जब भी ऐसे आप देखें तो उसे पहले ही कलेक्ट कर लें, नहीं तो ये उड़ जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। और जरबेरा बहुत अच्छे विंटर के फ्लावरिंग प्लांट है। देखिए इसमें भी अभी ये फ्लावर फर्स्ट टाइम खिलेगा, रेड वाला, और एक और भी है। तो फ्रेंड्स, अब बिना देर किए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शॉपिंग जो मैंने करी है। मीशो ऐप से मैंने फ़र्स्ट टाइम शॉपिंग की है गार्डन के लिए, तो मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको ये हैंगिंग पॉट्स दिखा रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे हैं। और ये जो हैंगिंग पॉट्स हैं ये 10 का सेट था, 10 हैंगिंग पॉट्स एक साथ में मिल रहे थे, और ये मुझे 500 और कुछ और भी था, मुझे याद ही नहीं रहता है, तो ऐसे था। मतलब एक पॉट जो है मुझे 53 समथिंग ऐसे कुछ पड़ा था, तो ये काफ़ी रीज़नेबल इसका प्राइस था। और इसका जो क्वालिटी है वो भी बेस्ट है, और इसकी जो चैन है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। आप देखिए इसका हुक भी काफ़ी मजबूत है। और जब मैंने लोकल इस तरह के पॉट का रेट पता किया तो उसका रेट भी ज़्यादा था, इससे 90 या 95 के समथिंग आ रहा था, और इसकी जो चैन थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने वो नहीं परचेज़ किए थे मेन, क्योंकि उसका हैंगिंग का ये जो चैन है ये ख़राब था। तो इन सब में एक पॉट जो था मेरा डैमेज निकला था, लेकिन क्योंकि बाकी सब अच्छा था तो मैंने इसे रिटर्न नहीं किया। हालांकि रिटर्न का भी ऑप्शन रहता है, आप 7 डे के अंदर कुछ भी है जो तो रिटर्न कर सकते हो। और ये देखिए, दूसरी बार मैंने फिर ये पॉट्स मंगाए थे, ये 8 इंच के पॉट्स हैं, ये मैंने विंटर प्लांट्स के लिए परचेज़ किए हैं, और ये भी काफ़ी अच्छे हैं। ये भी 10 का सेट था और ये मुझे 30 के अराउंड पड़े हैं, 30 रुपीज़ का 1 पॉट पड़ा है। तो प्राइस कैसे हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मैंने सही प्राइस में लिए हैं ये। और ये मैंने पॉली बैग मुझे चाहिए थे, नर्सरी पॉली बैग जो आती हैं जिनमें मैंने ये मंगाए हैं, क्योंकि जब विंटर की जब हम सीडलिंग तैयार करते हैं तो जो सैपलिंग तैयार होती हैं तो उनके लिए हमें काफ़ी सारे पॉट चाहिए होते हैं छोटे छोटे से, तो ये मैं उनके लिए मंगाए हैं। और ये जो पॉली बैग मैंने नर्सरी पॉली बैग आपको दिखाए, ये 200 थे और ये 208 के पड़े थे। और ये ग्लव्स मैं आपको दिखा रही हूँ, 2 का सेट है ये ग्लव्स, और ये लॉन्ग वाले ग्लव्स हैं तो मुझे काफ़ी प्यारे लग रहे थे ये। और वैसे तो मैं गार्डनिंग में नहीं पहनती हूँ ग्लव्स, मुझे कंफर्ट नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैंने मंगाए हैं क्योंकि हम जब फंजीसाइड वगैरह यूज़ करते हैं तो मेरे हस्बैंड थोड़ा नाराज़ होते हैं कि ग्लव्स यूज़ किया करो, तो मैंने ये इसलिए मंगाए हैं। और काफ़ी प्यारे हैं, नीचे का जो कपड़ा है इसका सिलिकॉन टाइप का है और ऊपर से प्लास्टिक लगा है, और प्लास्टिक के साथ रबड़ भी लगा था, तो वो मुझे काफ़ी बेस्ट लगा था इसका। और दोनों कलर ही बहुत प्यारे हैं, देखिए जो जैसा पिक में दिखाया था सेम वैसा ही था सब कुछ। और इसके अलावा मैंने मंगाया है वर्मी कंपोस्ट, ये देखिए। तो यहाँ मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि नहीं मिलता है, तो ऑनलाइन जब मैंने सर्च किया तो ये मिल रहा था, और ये 168 का 10 kg था, तो मैंने 10 kg मंगाया था। और ये अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, और इसका कुछ आधा तो मैंने यूज़ भी कर लिया है, तो ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया है। और इसके अलावा मैंने मंगाया है ये माइक्रोफोन, और इसका हालांकि मैं यूज़ तो नहीं करती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है रेलवे ट्रैक है सामने तो काफ़ी आवाज़ आती है, तो फिर भी मैंने मंगाया था कि कभी मैं अगर यूज़ करूँ तो मेरे पास होना चाहिए, इसलिए मैंने ये बहुत ज़्यादा रेट वाला नहीं मंगाया था। इसके प्राइस थे 163, तो कॉस्ट भी काफ़ी कम थी, इसलिए मैंने सिर्फ ट्रायल के लिए मंगाया था। और वर्मी कंपोस्ट भी देखिए कुछ इस तरह से दिखाया था, और 168 का था ये। और इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने मंगाए थे बहुत सारे सीड्स, तो सीड्स मैंने मीशो ऐप से नहीं मंगाए थे, सीड्स मैंने गोविंद भाई से मंगाए थे। आपने नाम सुना होगा गोविंद भाई का, वो एक सीड सेलर है, उनका एक यूट्यूब पे चैनल भी है, तो मैंने समर के सीड भी उनसे मंगाए थे, काफ़ी बेस्ट थे, और विंटर के भी मैंने उन्हीं से मंगाए हैं।
तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा रिव्यू मेरी ऑनलाइन मीशो शॉपिंग का। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।